दोस्तों, अगर आपके पास भी इप्सन का प्रिंटर है और प्रिंटिंग में लाइनिंग आ रही है या प्रिंट सही नहीं आ रहा है, चाहे फोटो हो या डॉक्यूमेंट हो, तो उसको सही कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको अपना प्रिंटर ऑन कर लेना है और प्रिंटर में पेपर लगा होना चाहिए। उसके बाद से पीसी को ऑन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डिवाइस एंड प्रिंटर का ऑप्शन है, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर प्रिंटर के ऑप्शन पे और यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेफरेंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे मेंटेनेंस में। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है नोजल चेक का, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रिंट मांग रहा है, तो यहाँ पर हम प्रिंट पे ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है। अब देखिए गुड क्वालिटी रहेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ इस तरह से आएगा। अगर क्वालिटी में कोई दिक्कत है तो यहाँ पर इस तरह से आएगा ब्लैंक होके लाइनिंग। तो ये देखिए प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्का हल्का यहाँ पर स्पेस आ रहा है लाइनिंग में, और यहाँ पर भी दो डॉट दिख रहे हैं, तो इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लीन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट करेंगे और क्लीनिंग शुरू हो गई है। प्रिंटर की हेड क्लीनिंग हो रही है और क्लीनिंग में थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट का वक्त लगता है। फिर उसके बाद भी अगर प्रिंट में लाइनिंग में थोड़ा स्पेस आ रहा है, तो उसके बाद से दोबारा से आपको क्लीन करना है, और अगर पहली बार में ही सही हो गया तो उसके बाद क्लीन नहीं करना है। तो अभी प्रिंट निकाल कर देखेंगे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। 1000-2000 प्रिंट निकलने के बाद ऐसी दिक्कत होती है कि प्रिंट में जो है डॉट आने लगता है या लाइनिंग आने लगती है। प्रोसेस लगभग अब कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए प्रिंट नोजल चेक पैटर्न का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी फिनिश नहीं करेंगे, एक बार फिर से प्रिंट निकाल कर देखेंगे। तो इस पे प्रिंट पे क्लिक करते हैं। जब तक इस तरह से नहीं आएगा तब तक आपको क्लीन करना है, चाहे एक बार करना पड़े चाहे दो बार करना पड़े। प्रिंट आ चुका है, अब देखते हैं कि सही हुआ है या नहीं। अभी कलर में तो सही आ रहा है, लेकिन ये ब्लैक में अभी एक जो है अभी यहां पर हल्का सा स्पेस बच रहा है, तो इसको एक बार फिर से हम क्लीन करेंगे। तो यहां पर क्लीन का ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, तो यहां पर फिर से हम क्लीन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पेज को मैं दोबारा से लगा देता हूं। पेज को मैंने दोबारा से लगा दिया, वही पेज। हेड क्लीन हो जाने के बाद से प्रिंट काफी अच्छा होने लगता है, क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है। लेकिन जैसे ही 1500-2000-2500 प्रिंट हो जाते हैं, हेड क्लीन की जरूरत फिर से पड़ती है प्रिंटर में। तो इस तरह से आप अपने प्रिंटर का हेड क्लीन कर सकते हैं। वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। दोबारा क्लीन का प्रोसेस लगभग अब कंप्लीट होने वाला है। प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो फिर से प्रिंट करते हैं।
अब देखते हैं सही हुआ है या नहीं हुआ है। उम्मीद है इस बार सही हो गया होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये एकदम सही हो गया है। आप देख सकते हैं लाइनिंग में कहीं भी स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए चाहे वो ब्लैक हो या कलर हो, किसी में भी कहीं लाइनिंग नहीं दिखाई दे रही है। तो अब हमको इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। दो बार में ये पूरी तरीके से क्लीन हो गया है। तो अब प्रिंट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रिंट क्वालिटी अब अच्छी देगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।